आज हम ट्यूटोरियल की वीडियो लेकर आए हैं और सीखेंगे कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे करते हैं। तो भाई चलते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ और सामान लूट के, गन इक्विपमेंट सब कुछ लेके चलते हैं अपनी जगह, और शायद इस वीडियो के बाद आपको कुछ हेल्प हो जाए। भाई पबजी में मेन तीन तरह के लोग होते हैं, मतलब तीन अलग अलग स्टाइल हैं प्लेयर्स की खेलने के। सबसे पहला है नॉन गायरोस्कोप प्लेयर्स। ये लोग ज़्यादातर गायरोस्कोप रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए या फिर मेन गेम प्ले विदाउट एडीएस के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग ऐसे ही खेलते हैं, और ज़्यादातर ये लोग आईपैड प्लेयर्स होते हैं या फिर फैबलेट प्लेयर्स होते हैं या फिर एमुलेटर प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि एमुलेटर्स पे गायरोस्कोप नहीं लगता। फिर भी यार ये भी बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। और दूसरा नंबर पर आता है स्कोप ओनली गायरोस्कोप। भाई ये ऐसे लोग हैं, और हाँ आपको शायद पता होगा कि गायरोस्कोप का तीन ऑप्शंस आता है हमारे से बेसिक सेटिंग्स के अंदर, ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और क्लोज। स्कोप ऑन पे ये लोग रखते हैं गायरोस्कोप को, और ये सिर्फ रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए गायरोस्कोप यूज़ करते हैं और विदाउट रेडियस गायरोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते। और भाई तीसरे नंबर पर आते हैं फुल गायरोस्कोप प्लेयर्स, जैसे कि मैं। हम फुल गायरोस्कोप प्लेयर्स हैं, मतलब ये लोग गायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन रखते हैं, विदाउट स्कोप या स्कोप इन हो या रिकॉइल कंट्रोल हो या जो भी हो, रिफ्लेक्सेस हो, जो भी हो, हमको सिर्फ गायरो से मतलब है। लेकिन बिना गायरो हम खेल नहीं सकते, क्योंकि यार आदत सी लग गई ना। और गायरोस्कोप के बहुत फ़ायदे हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल जान लेते हैं कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे करना है। तो भाई चलते हैं सीधा रिकॉइल सेंसिटिविटी सेटिंग्स के अंदर। भाई पहला जो सेटिंग्स है वो है हमारा कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक सेंसिटिविटी। भाई चलो सेंसिटिविटी में चलते हैं, और ये रहा आपका कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। ये जो है ना थर्ड पर्सन कैमरा 300, जो भी अभी मैं मैक्सिमम मिनिमम कर रहा हूँ। भाई ये जो अपना आई बटन है ना, ये उसका सेंसिटिविटी है, मतलब आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना स्पीड बंदा इधर उधर देखेगा। और रुको, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ ना, तो देखो बहुत धीरे से हलता है बंदा, बहुत धीरे से आगे पीछे देखता है। अगर वही मैं ज़्यादा कर दूं तो अब देखो कितनी रफ्तार से हल रहा है, मतलब बंदा यार कुछ और मत समझना। अब चलते हैं हमारी दूसरी ओर, वो जो है कैमरा सेंसिटिविटी, कैमरा फ्री लुक में ही और एक कैमरा ऑप्शन है। भाई ये जो आपका पैराशूट जब आप लैंड करते हो तो आगे पीछे देखने का है ना, वो उसकी सेंसिटिविटी है। और दूसरा है कैमरा सेंसिटिविटी, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैमरा सेंसिटिविटी ये देखो थर्ड पर्सन लुक स्कोप, इसमें साफ साफ लिखा है अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज स्वाइप्ड विदाउट फायरिंग। भाई इसका मतलब है इसका आपका रिकॉल से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट राइट स्कोप हिलने का ही है। अब देखो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, अब देखो इसका ये रुको गायरोस्कोप ऑफ कर देता हूँ, ये गायरोस्कोप की वजह से स्क्रीन बहुत हिल रहा है। गायरोस्कोप क्लोज, हाँ भाई मैं अपनी पूरी जान लगाकर उंगलियाँ नीचे घसीट रहा हूँ, लेकिन भाई स्क्रीन हल्के नहीं दे रहा। अब नोटिस करो बहुत धीरे से हल रहा है स्क्रीन। अब देखो मैं इसको थोड़ा एक बढ़ा देता हूँ, इसको 200 हो गया। अब देखो भाई कितनी तेज़ी से हिल रहा है स्क्रीन। भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब हाई सेंसिटिविटी पे खेलो, मिनिमम 200 पर रखो, ताकि आपके रिफ्लेक्सेस बहुत इम्प्रूव हो जाए। अगर इसको ऑन कर देता हूँ नहीं तो खेल नहीं पाऊँगा यार मैं। तो सेंसिटिविटी में चलते हैं फिर से वापस, और भाई का यही है यार रेड डॉट एडीएस सेंसिटिविटी तीसरे नंबर पर आती है हमारा। भाई ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉइल कंट्रोल के लिए, सब रिकॉइल का खेल एडीएस सेंसिटिविटी और गायरोस्कोप में ही है। एडीएस सेंसिटिविटी उन लोगों के लिए है जो नॉन गायरो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो गायरोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते हैं रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। अब देखो ये बिना रिकॉइल कंट्रोल, ये रिकॉइल कंट्रोल की है, मैं अपनी उंगली को नीचे घसीट रहा हूँ ताकि हमारा क्रॉसर जो है वो एक ही जगह पर टिका रहे। अब देखो बिना रिकॉइल के कैसे होता है।
भाई चलते हैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग्स की ओर और आपको बताता हूँ कि क्या करना है, मतलब रिकॉल कंट्रोल करने के लिए। सेंसिटिविटी से गायरोस्कोप, पहले ग्रेसोप क्लोज करता हूँ ताकि आपको ठीक से पता लगे। अब आते हैं ADS की ओर। अब ADS में मेरा रेड डॉट का सेंसिटिविटी है 60%। अब मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखो 60% में रिकॉल कैसे कंट्रोल होगा। मैंने गायरोस्कोप ऑफ किया। अब देखो मैं अपनी फिंगर को नीचे की ओर खींच रहा हूँ ताकि रिकॉइल कंट्रोल हो सके। देखो एक और बार भाई कितनी स्टेबल चल रही है गन। अब देखो जब मैं अब मैं रेड डॉट को पूरा ज़ीरो कर देता हूँ, जो 60% था उसको ज़ीरो कर देता हूँ मैं। ADS सेंसिटिविटी 1 कर दिया मैं। अब देखो भाई रिकॉइल कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेता भाई। मैं अपनी पूरी जान लगाकर अपनी उंगलियों को नीचे खींच रहा हूँ लेकिन भाई रिकॉइल कंट्रोल हो के नहीं लेता। यही है यार ADS का। मैं बाकी स्कोप्स को भी बता सकता था लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए एक ही स्कोप को बता रहा हूँ, आप सेट कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टा के स्टोरी हाइलाइट्स में देख लेना, आपको मेरी सेंसिटिविटी मिल जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद की सेंसिटिविटी बनाओ। भाई तीसरी है गायरोस्कोप सेंसिटिविटी। अब भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको नहीं, शायद दूसरों को इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो गायरोस्कोप खेलते हैं और कुछ लोग हैं जो बिना गायरो खेलते हैं। अब मैं तो फुल गायरो प्लेयर हूँ, मुझे तो हाई गायरो सेंसिटिविटी चाहिए होती है। अब गायरोस्कोप की ट्यूटोरियल्स और सेंसिटिविटी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि मैंने गायरोस्कोप कैसे सीखा और गायरोस्कोप कितने दिन में सीखा। और काफ़ी फ़ायदे हैं यार गायरोस्कोप के, मतलब रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं, आपका रिकॉइल बहुत बहुत मक्खन जैसे कंट्रोल होता है आपका रिकॉइल, और बहुत से फ़ायदे हैं यार गायरोस्कोप के। मैं तो हाई गायरोस्कोप प्लेयर हूँ, मैं तो गायरो की सेंसिटिविटी हमेशा हाई रखता हूँ। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब फिलहाल रिकॉइल कंट्रोल की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर टारगेट्स के ऊपर। भाई रिकॉइल कंट्रोल करना बिगिनर्स के लिए मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप खड़े होकर स्प्रे करती हो तो देखो काफ़ी ऊपर जाता है। अगर आप क्राउच होके करते हो तो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अब देखो मैंने खड़े होकर स्प्रे दिया, अब देखो क्राउच होके जाता हूँ, देखो थोड़ा तो डिफरेंस होगा, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब भाई साहब अगर आप लेट के करोगे ना तो भाई लेज़र लेज़र की तरह निकलेंगी गोलियाँ, रिकॉइल ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है भाई। रिकॉइल के नाम पे घंटा कुछ नहीं होता अगर आप लेट के स्प्रे देते हो भाई। ऐसे ही प्रैक्टिस करना। और एक बात, अगर आप क्राउच करके पीक करके फायर करते हो तो भी कुछ हद तक आपका रिकॉइल जो है बहुत कम हो जाता है, मतलब थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाता है। मैं यहाँ पर रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा था कि एवरेज पे कितना बिना रिकॉइल कंट्रोल किए एक स्कोप कितना ऊपर जा सकता है। आपको करना क्या है यार, आपको बस प्रैक्टिस करनी है बस। और भाई साहब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका स्कोप ऊपर नीचे ना हिले। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो, इधर उधर स्प्रे दे करते रहो। अगर चिंता मत करो अगर आपकी बुलेट्स इधर उधर जा रही हैं, क्योंकि यार गन है, बुलेट स्प्रेड तो होगा ही। बस आप ये ध्यान रखो कि आपका जो स्कोप है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए और ना ही नीचे आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे बस हिलना नहीं चाहिए आपका स्कोप। बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, थोड़े दिन करो, बहुत सारा TDM खेलो, ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा टाइम स्पेंड करो और स्कोप ज़्यादा ऊपर मत करो, ज़्यादा नीचे मत करो, सस्टेन रखो। अगर आप गायरो प्लेयर है तो गायरो में प्रैक्टिस करो, अगर आपको गायरो पसंद नहीं है तो आप खुद की सेंसिटिविटी बनाकर 3x 4x हो गया, 6x हो गया, 2x रेड डॉट, सब की सेंसिटिविटी आप खुद बनाकर ट्राई कर सकते हो। भाई प्रैक्टिस के बाद ना एकदम लेज़र की तरह निकलेंगी गोलियाँ आपकी। और मूव एंड प्रैक्टिस करते रहना साथ में, मूव एंड प्रैक्टिस, ऐसे मूव करो प्रैक्टिस करो, मूव एंड प्रैक्टिस करो भाई। जितना हो सके उतना पीक एंड फायर करना सीख लो, क्योंकि कुछ हद तक रिकॉइल कंट्रोल हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि यार मुझे लगता है कि पीक और फायर से रिकॉइल थोड़ा कम हो जाता है। और यार जहाँ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। और हाँ, गायरोस्कोप की फुल ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, थोड़ा बहुत वॉइस ओवर का काम बचा है उसमें, वो वीडियो भी जल्द आएगी। बाय बाय।